सबको जय एमसी की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय एमसी की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय एमसी की। लगता है कि नहीं आपको, लगता है कि नहीं आप कहें कि पवित्र आत्मा तो तारीफ के योग्य है। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर अपना अनुग्रह उतारेगा, उन लोगों के ऊपर जितने उसकी तारीफ कर रहे हैं। चीखे चिल्लाए और कहें कि सच में तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर तेरे। हाँ सच में तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ। हाथों को उठा कर कहे परमेश्वर मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी बढ़ियाई, तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सच्चे बादशाह तू ही मेरे, प्रार्थना उन सुनने वाला परमेश्वर हैगा। तुसी हाथ चक के कहो कि पवित्र आत्मा मैं तेरे दरबार विच आया, मैं आज खाली हाथ नहीं जावांगा। आज कहो कि मैं खाली हाथ नहीं जावांगा, सच्चे बादशाह मैं तेरे अगे अरदास करता, तू मेरी प्रार्थना ने सुन ते स्वीकार कर। कहो कि मैं बड़ी दूर से आया हूं परमेश्वर, प्रभु मेरे ऊपर दया कर। कहे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, वो दया का परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो चंगाई का दाता है, वो उद्धार करता। आज आपके दिल में अद्भुत कार्य करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा कि मैं बहुत सारे लोगों को आशीषित करने के लिए जा रहा हूं। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा बोलता है कि जो आए संडे यहां आते हैं वो अपनी बरकत को जल्दी काटने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर एक जुबान खुलकर अपने मन की बात परमेश्वर से कह दे। पवित्र आत्मा से कहे, बाइबल बोलती है हर एक जन अपने मन की बातों को मुझसे खोल कर कह दे। मत शर्माए, कहे पवित्र आत्मा मैं यहाँ हूँ। आप कहे पवित्र आत्मा मैं यहाँ हूँ। आज हर एक जन कहे परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन मैं आज तेरी जगह पर तेरी वेदी के सामने आज मैं तौबा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जो मुझे पापों से क्षमा आज तक नहीं मिला वो तेरे दरबार में आकर मुझे मिल गई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज कहे कि पवित्र आत्मा ये चर्च मेरा चर्च है और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। आज जितने लोग चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो बड़े आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रिसीव करें, स्वर्ग दूत सीढ़ी लगाकर उतर रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूं कि कुछ स्वर्ग दूत सीढ़ी लगाकर उतरते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा कि जितने मेरे मंदिर में है करा उनको सरकंडा लेकर नाप ले। कहता है जितने सच्चाई के साथ हृदय के साथ मेरी आराधना करने के लिए खड़े हैं, कहता है मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करा जो आंगन से बाहर है उनको छोड़ दे। कहता है लेकिन जो आज इस भवन में आए हैं वो एक बड़ी कठिनी को देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तारीफ करें परमेश्वर की, तारीफ करें, तारीफ करें और जोर से, जोर से, जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा एक जन को छू और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों को उठाएं और कहें मैं हूं जहां अबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा पुकारे, पवित्र आत्मा तो उसकी प्रेजेंस है यहां पर। अपने मन की बात कहें, पवित्र आत्मा को पुकारे और कहें उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज मुझे देखते हैं वो आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इसी समय पवित्र आत्मा इस वेदी के ऊपर से इसी समय तू अपने अपनी आशीषों को बरसाएगा, अपने लोगों को चंगा करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग आए हैं पवित्र आत्मा कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ही मेरा बल है, तो ही मेरी चट्टान है, तो ही मेरा शरण स्थान ठहरा है, तो ही मेरा गढ़ है, तो ही मुझे महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर। हर एक जन कहे के यीशु मेरा है, यीशु मेरा प्रभु है। हर एक जन कहे यीशु मेरा प्रभु है। वो आपसे सुनना चाहता है, आपकी जबान से सुनना चाहता है कि यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सच्चा प्रेमी है, यीशु मेरा प्रेमी है,
मैं उसका प्रेमी हूँ। हर एक जन हाथों को उठा कर कहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे यहाँ लेकर आया, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करता हूँ। ताड़ी बजाएं सब यीशु मसीह के लिए और बैठ जाएं सब यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास तेरे चरणों में आता और परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए। पवित्र आत्मा जैसे तू तूने सच में अपने पुत्र को कहा कि देख अब मेरा आकाश खुल गया है और जिसने बैप्टिज्म लिया है, तूने यूहन्ना को कहा कि देख मेरा आकाश खुल गया है और तूने कहा कि देख जिसने बैप्टिज्म लिया है उसे कह दे मैं उसको बोल रहा हूं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। सच में परमेश्वर जितने लोगों ने तुझे अपना जीवन दिया है मेरे परमेश्वर, तो उनको सच में अपना बेटा बेटी स्वीकार कर चुका है। और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ कि दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, असामर्थ वाला हाथ इनके ऊपर उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, नाम में, नाम में, तेरे नाम में बना रहे इनके ऊपर। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहेगा और आज तेरे दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि सच में जितने लोग पवित्रताई में चलते हैं परमेश्वर तो उनसे प्यार करता है। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर आए हैं कि आज सच में पवित्रताई, आज पवित्रताई इनके अंदर बरसे और ये लोग आज से फिर से हरे भरे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुख बीमारियां समस्याएं जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों ने हाथ उठाकर परमेश्वर तेरी महिमा की है, तेरी स्तुति की है, तेरी तारीफ की है, पवित्र आत्मा तू सच में अपने इनाम को देने के लिए जा रहा है, तू आज अपने आशीर्वाद को इनके पर छोड़ने के लिए जा रहा है। आज हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक कर्जा जाता रहे, हर एक समस्या बाहर जाए, हर एक बीमारी बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जितने लोग तेरी प्रेजेंस में है वो आनंद कर रहे हैं हाथों को उठाकर। वो आनंद कर रहे हैं हाथों को उठाकर क्योंकि तू आनंद देने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ तू आनंद देने वाला परमेश्वर है, तू अपने लोगों को आनंदित कर रहा है। हर एक जुबान हाथों को उठाए और कहे, हर एक जन हाथों को उठाए अपनी जुबान से कहे कि परमेश्वर मैं तेरे आनंद को महसूस कर रहा हूँ। आप कहे पवित्र आत्मा मैं तेरी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ, मैं तेरी प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूँ। स्वर्ग दूत जब तक नहीं आते, जब तक आप ये बात नहीं बोलते, आप बोले कि पवित्र आत्मा मैं तेरे स्वर्ग दूतों को महसूस कर रहा हूँ। होली स्पिरिट मैं तेरे स्वर्ग दूतों को महसूस कर रहा हूँ। हर एक जन कहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐसा हो जाए, आमीन। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। हालेलुया, अपने लोगों को प्यार करता है। आज एक हर एक जन एक दूसरे से हाथ मिलाए और उसको बताएं कि तू कहां आया है, उसके साथ हाथ मिलाओ और उसको बताओ, उसको बताओ कि पवित्र दिन में तेरा स्वागत है। हाथ मिलाओ और उसको बताओ कि पवित्र दिन में तेरा स्वागत है। उसको पूछो क्या तू पवित्र होकर आया, अगर नहीं होके आया, अगर नहीं होके आया तो आज यहां बैठकर अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करना। आपको परमेश्वर का आत्मा पवित्रताई में लेकर जा रहा है, पवित्र कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को मैडम स्कूल में क्या पूछती है, हाँ पुत्र तू नहा के आया, ते अपा इतने की पूछते हैं, तुम पवित्रताई में होके आयो। हालेलुया, हालेलुया। टीचर क्या पूछती है स्कूल में, हाँ जी ना क्या है, ना क्या ही करो आज, मैं नहीं ना क्या ही। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आज आप नहीं भी ना कराए हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं कि जितने यीशु मसीह के लहू को आज स्वीकार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा उनके लिए आज कह रहा है कि मैंने उनको धो दिया है, उनको नहला दिया है, उनको शुद्ध कर दिया है। आप पवित्रताई में बढ़ते जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब अपने पड़ोसी को कहीं तू शुद्ध हो गया, हाथ मिलाओ उसको बोलो शुद्ध हो गया। यहां आपकी पड़ोस में बैठी कोई औरत गालियां देती है उसको बोलो तू शुद्ध हो गया आज से, आज के बाद नहीं देना। कोई आपके पड़ोस में तंबाकू खाता है उसको बोलो तू शुद्ध हो गया आज से, उसको बोलो तू शुद्ध हो गया आज से। हर एक जन को कहें, अपने पड़ोसी को बताएं कि जो गुस्सा करती है उसको बोलो कि तू शुद्ध हो गया आज से। हालेलुया। अरे शुद्ध क्यों होता है बंदा, क्यों करता है परमेश्वर शुद्ध? वो इसलिए करता है कि ताकि ये फिर से ये गलती ना करें। हालेलुया, हालेलुया। आप मैल क्यों उतारते हैं, मैल क्यों उतारते हैं, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के दसो क्यों उतारते ने हैं? हालेलुया। खड़े होके बताएंगे, हालेलुया।
मैं बंदा ठीक लग रहा है साफ करने के लिए। अच्छा बैठ जा, तू घर जाके मजनू साफ करी। मैं की कह रहा कि अपा शरीर नू क्यों रगड़ते ने, नहाते तो आप साफ भी करते ने लेकिन रगड़ते क्यों हाँ, साफ क्यों करते हैं, मैल तारते हैं ना, मैल तारते हैं कि नहीं। तुम हूं भी बैठे बैठे करे जाओ, मैल उतरना ही उतरना है। तुसी किन्नी मर्जी बार नहा लो लेकिन तुसी जिन्नी बार रगड़ोगे उन्नी बार मैल उतरेगा, उतरता है कि नहीं। और कितों उतरे ना उतरे, गर्दन तो जरूर उतरता, उतरता कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा यही बात बोलते कह रहा है कि आप एक बार बोलते हैं परमेश्वर मैं माफी मांग के आ गया, लेकिन तुम्हें रोज माफी मांगनी पैनी है। कोई ना कोई मैल तुम्हारे उत्ते रोज लगता है। हालेलुया हालेलुया, तुझे रोज माफी मांगनी है कि परमेश्वर मैं इस गर्दन से मैं साथ से मैल नहीं चढ़न देवांगा, मैं यीशु का पुत्र हां। हालेलुया हालेलुया। तुसी लक्ष साबण नाल नहांदे हो, तुसी हमाम नाल नहांदे हो, किड़ी-किड़ी साबणा मैनू नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता कि जेड़े यीशु मसीह की टिकिया नाल नहांदे ने ओह कदी मैले नहीं होंदे। हालेलुया हालेलुया। अज हिजकिया किड़ी टिकिया नाल नहाया, हिजकिया यीशु मसीह की टिकिया नाल नहाया कि नहीं नहाया, उन्हें फोड़ा हो गया, अंजीर की टिकिया लाई कि नहीं लाई। अरे आज यीशु की टिकिया लाओगे कि नहीं लाओगे, सारे चंगे हो जाओगे। आज आज मैल नहीं रहेगा। अपने पड़ोसी को बताऊंगी तेरा मैल मैंने धो दिया आज, तेरे मैल धोने का तरीका मैंने बता दिया तुझे आज। तुम भी लगा लियो सारे, बोले हालेलुया हालेलुया। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हाँ जी हाँ जी, गवाहियों के साथ, गवाहियों के साथ। हालेलुया हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपने सुनना है और समझना है। आपको बता रहा हूँ परमेश्वर कैसे लोगों को प्यार करता है। जो आए संडे प्रभु के घर में आते हैं उनके लिए परमेश्वर सदा स्वर्ग का गेट खोल के रखेगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हालेलुया। प्रॉफेट जी ये बहन बता रहे हैं कि 2015 में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई किया था, और जैसे ही पिछले दिनों ये हमारे चर्च तारपुर चर्च में आए, आपने भविष्यवाणी किया, जाओ आज सीप करो आत्मा में, तुम्हें जॉब मिल रही है। और सचमुच ये बहन आज अपनी जॉब लेटर के साथ कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर लग चुके हैं। ये बहन बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मेरी पिछले दिनों दुआ थी कि परमेश्वर मेरे चर्च में पुलिस में लगने चाहिए, आईएएस अफसर लगने चाहिए और इंस्पेक्टर लगने चाहिए, ताकि कलीसिया थोड़ी बहुत डरे। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। ये देख सकते हैं इस बहन का नाम है इसमें हरप्रीत, हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर। कैमरा मार इधर। आए संडे ड्रेस में बुलाया करूंगा मैं इसको। हरप्रीत कौर इंस्पेक्टर लग चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। इंस्पेक्टर ये लगी है खुशी मुझे क्यों हो रही है, कोई बताएगा? क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं रंग लेके आ रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हमें खुशी होती है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्यों यही क्यों लगी है, क्यों? क्योंकि इसने बैठकर उस बात को रिसीव किया है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा जो बोल रहा है मैं उसको रिसीव करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। बताएंगे बताएं कितने साल से ट्राई कर रहे थे? 2015 च मेरा एग्जाम होया सी, रिजल्ट भी उसी साल आ गया सीगा, बट स्टे लगी हुई सीगी। ते पिछले मंथ मैं आई तां बहुत सारे ब्रदर गवाही दे रहे सीगे कि साडी गवर्नमेंट जॉब लगी आ। मैं क्या परमेश्वर मेरी भी ऐसा लग जावे, तां परमेश्वर ने मैनू एज अ बिल्डिंग इंस्पेक्टर मेरी जॉब लगवाई। ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था कि इस वर्ष में जाओ आपके बच्चों के लिए रास्ते खुल रहे हैं कि नहीं? Yes. अरे खुले हैं कि नहीं? Yes. आपने देखा इस चर्च में पटवारी भी लगे, एक ही परिवार के पटवारी भी लगे, पुलिस में भी लगे, और एक भाई का लड़का पुलिस में लगा। हालेलुया हालेलुया। और एक भाई इंस्पेक्टर बना। हालेलुया। और ये बहन आज एक और इंस्पेक्टर। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जितने लोग सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूरज की तरफ
मुंह करता रहता है बार बार, जहां जहां सूरज जाता है उधर उधर सूरजमुखी मुंह करता रहता है। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है कि आप जब एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं कि अगर ये मुंह इधर है तो आपको करना पड़ेगा। आज यीशु मसीह की ओर जितने मुंह करते हैं वो निराश नहीं होते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराकल करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप बता रहा हूं कि वो सूरज की शाइनिंग, वो परमेश्वर की शाइनिंग यहाँ है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा इस गवाही पर इनको बहुत सारी आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आमीन। और ये देख सकते हैं आपकी बहन है, और आप देख सकते हैं ये भाई देंगे अपनी पूरी गवाही, दोनों की गवाही दो दोबारा से। प्रॉफिट जी ने जैम सी दी, सारा ने जैम सी दी। देखो इनके घर में कितने मिराकल हुए हैं, करोड़ों रुपए के लोन, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास हुए। आप सुनो कितने, आप अभी हैरान करने वाली गवाही है। कितना करोड़ों का प्रोजेक्ट पास हुआ बताएं, शुरू से बताएं। सारा ने जैम सी दी, जदों मैं 2016 तो इस चर्च ना जुड़े हुए हैं, तो मेरी फैमिली भी इस चर्च ना जुड़ी हुई है। तो पिछले नवंबर च मेरे फादर की डैथ हो गई सी, उन्होंने बिल्डिंग वर्क का काम सेगा, ते मैं उन्होंने डैथ हुई 8 नवंबर नू डैथ हो गई सी। तो उस तो 10-15 दिन बाद मैं इतने बैठ के रो के प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर मेरा सारा कुछ चला गया, तो मैं किस सहारे मतलब असी अपनी अगली लाइफ जी कट्टा गए। तो फिर परमेश्वर प्रॉफिट जी ने मेरे लिए उस दिन प्रोफेसी की थी कि कोई दीपू है यहाँ पर बैठा हुआ, मेरे को मैंने खड़ा किया उन्हें, तो मैंने दसा भी तेन परमेश्वर प्रोजेक्ट देने जा रहा है। तो मैं उस प्रोफेसी उस टाइम रिसीव किया। तो उस तो 10-15 दिन बाद असी टेंडर भरे हुए थे, 10-15 दिन बाद मैं एक लुधियाने का प्रोजेक्ट मिला 6 करोड़ का। तो मैं उस दिन बहुत खुश होया, तो मैं इतने आके फिर दोबारा उसनू गवाही दी। तो उस तो अगले ही दिन मैं जलंधर का प्रोजेक्ट भरया, वह भी मेरा इतने पास होया। मैंने टोटल 10 करोड़ का मतलब इस साल काम दिता परमेश्वर ने। तो मैं अपनी सिस्टर की ना 6 महीने पहला प्रेयर लिस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाई सी इतने जॉब गवर्नमेंट जॉब लिखी, क्योंकि इसका जॉब निकली हुई थी पर इसे रखते नहीं पे थी, वो डॉक्यूमेंटेशन इसकी चैक करके बार बार भेज रहे थे इनू। तो मैं प्रार्थना जो करवाई तो हूँ रिजल्ट थोड़े सामने ही है। सारे बोले हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है कि नहीं? Yes! कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट इसका पास हुआ, एक बार 6 करोड़ का, एक बार 4 करोड़ का। हालेलुया। करोड़ लख नहीं है गे, करोड़ है गे ने। हालेलुया। और देखो वो भाई क्या बोल रहा है कि जब मेरे डैडी की डेथ हुआ तो मैं बहुत टूट गया था, लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि संसार का डैडी चला गया है, बहुत सारे लोगों के माँ बाप चले गए हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो स्वर्ग का पिता जिसका नाम यीशु मसीह है, वो नासरी, वो आपके लिए जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया हालेलुया। और ये गवाही के साथ है कि अपनी बहन के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट कराया और परमेश्वर ने आज गवर्नमेंट जॉब के साथ खड़ा किया इसको। ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। नेक्स्ट। कभी नहीं कभी नहीं कभी सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? इस साइड वाले, हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी। प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे हैं इनका बेटा पंजाब पुलिस में है और ये काफी बता रहे काफी लंबे समय से 7 साल से इनको ना कॉल कर रहा है ना बुला रहा है, और है पंजाब में ही वो, ना इनको मिलने आता है। जैसे पिछले दिनों इन्होंने इस चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया और ये बता रहे हैं, तो अभी इन्होंने फोन किया और इनको मिलने के लिए आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 7 साल से ये भाई परेशान है। कितने साल से? 7 साल से। ये जब भी चर्च में आते हैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट इनकी एक ही होती है, धन सोना चांदी नहीं, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट एक ही होती है, मेरे पुत्र नु मेरे तो मिला दो। हालेलुया हालेलुया। एसपीओ ने की कसूर किया तुसी पूछ सकते हो पुत्र तो, लेकिन सच विच ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ
हुण प्रभु जसू मसीह का कमाल वेखियो तुसी ते उह पहलों ने आई 20 गड्डी लई फिर सानू उहदा मैसेज भेजिया ही उहनू वधाई दित्ती उहनू फिर सानू मैसेज ते मैसेज करदा रहा फिर मेरा बेटा छोटा ते मेरी बेटी वास्ते उहने दो गिफ्ट भेजे आ मैं प्रभु जसू मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करदा प्रॉफिट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जो साडे वास्ते प्रेयर करते ने धन्यवाद जय मसीह दी पर हालेलुया हाथ तो उठाएं और रिसीव करें मैं कह रहा हूं जितने लोग अपने घर में ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों में मेरे परिवार में कोई टेंशन है मैं उन सब के लिए कह रहा हूं जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं उनके बच्चे और उनके परिवार में मेल होने के लिए जा रहा है शांति होने के लिए जा रही है आमीन उनके बच्चे फिर से आशीषित होने के लिए जा रहे हैं खुशखबरी आने वाली है जो माँ बाप से दूर है वो गले लगाने वाले हैं आमीन हाँ जी हाँ जी प्रॉफिट जी ये बहन ताने हैं पिछले काफी लंबे समय से इनकी किडनी में स्टोन था जो की 4 mm का स्टोन था जैसे पिछले दिन इस चर्च में आए आपने भविष्यवाणी किया इस बच्चे के लिए कि जाओ आज तुम्हारे हर एक किडनियां हर एक स्टोन चंगे होने जा रहे हैं और इस बच्ची ने उस बात को रिसीव किया और ये बच्ची बता रही है आज अपनी रिपोर्टों के साथ यहां पर आएंगे हालेलुया कितनी पथरियां थी हाँ बताएं 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 सबको मेरी तरफ से जय मसीह की पापा जय मसीह मेरे पिछले मंथ राइट किडनी में 4 mm का स्टोन हो गया था तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप मेडिसिन खानी स्टार्ट कर दो क्योंकि अगर ये अंदर ऐसे ही रहेगी तो यूरिन में ब्लीडिंग भी हो सकती है तो मैंने 2 दिन मेडिसिन खाई उसके बाद मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी मैं क्या नहीं मेरे जीसस ही मुझे ठीक करेंगे फिर मैंने रविंदर पापा जी से बोला उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो उन्होंने बोला कि यकीन करके जा तेरी रिपोर्ट नॉर्मल है कल जब मैं हॉस्पिटल गई अपनी रिपोर्ट निकलवाने के लिए तो जिस रूम में मुझे जाना था मैं ये बोल के गई मैं कि जीसस मैं आपकी लाइट हूँ और मैं खुश होकर बाहर आऊंगी और जब मुझे मेरी रिपोर्ट्स मिली तो मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी पथरियां निकल गई बाहर ताड़ी बजाएंगे हालेलुया देख सकते हैं रिपोर्ट के साथ आई ये बहन हालेलुया आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट के साथ है पथरियां है कि नहीं पथरियां इसको बताई गई ऑपरेशन बताया गया लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे इसने प्रार्थना कराया पथरियां धुआं बनकर उड़ चुकी हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारे बोले हालेलुया आपको बता रहा हूं विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर आज भी मिराकल करता है जितने विश्वास नहीं करते सुबेदार को क्या कहा सुबेदार को कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए आज किसके कारण जैसा आप कहते हैं जैसा आप कहते हैं हालेलुया शब्द है ये शब्द एक शब्द के कारण शैतान आपके ऊपर हैवी हो जाता है शैतान को पता है कि इनके शब्दों में ताकत है इसलिए वो ऐसी ऐसी टेंशन या ऐसे ऐसे डिप्रेशन ऐसी ऐसी बातें डालता है कि वो लोग सोचते ही बीमार हो जाते हैं और उनके मुंह से जब शब्द निकलते हैं क्या शब्द निकलते हैं कि हाय मैं मर गया हाय मैं ठीक नहीं हो सकता लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि सुनो दाऊद नु देख सकते हो तुम दाऊद बड़ा चलाक सीगा जब दाऊद नु शाऊल मारण वास्ते आया थे वो छुप गया हालेलुया लेकिन उस वेले की होया कि शैतान ने उन्हें डराया कहता कि तेरा सब कुछ खत्म हो गया तेरे बच्चे तेरा परिवार तू सब कुछ खत्म हो गया हूं लेकिन उसी वेले वो बड़ा चलाक सी उन्हें मुंह तो की कड़िया उन्हें भजन संहिता 23:6 बोलिया उन्हें कहा कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन पर परमेश्वर की मेरे साथ बनी रहेगी अगर आपके माइंड में कोई ख्याल आ रहा है बुरा तो आप इस वचन को याद रखें और कहें क्योंकि ये वचन काजू बादाम का काम करते हैं हालेलुया हालेलुया कहें कि आज परमेश्वर तेरी मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय करुणा और भलाई तेरी भलाई जिंदगी भर मेरे परिवार के साथ बनी रहेगी हालेलुया हालेलुया कि वो भलाई करेगा बुरा नहीं करेगा देख सकते हैं आपके बहन आज आजाद है बिल्कुल पथरियां गायब हो चुकी है ताड़ी बजाएंगे शाबाश जाएंगे नेक्स्ट जल्दी प्रॉफिट जी
ये बहन की बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये 7 फरवरी को तारपुर चर्च में आए थे और अपने प्रोफेसरी किया था। तो कोई जन ऐसा है जो बच्चा अपना डेथ कर देता है और ये पति बन जाते थे ये बच्चा डेथ हो जाए और अपने भविष्यवाणी किया था वो बच्चा नहीं मरेगा। और सचमुच ये 14 फरवरी को पीजीआई में गए थे, डॉक्टरों ने कहा ये बच्चा डेथ हो चुका है। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना कराई प्रेटावा से और रिसीव किया इस बात को, ये बच्चा बिल्कुल चंगा है और ये हमारे साथ चर्च में अद्भुत खड़ा है। हालेलुया। बताएंगे हालेलुया। सारिआं नूं जय मसीह दी। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां क्योंकि परमेश्वर मैनूं अपनी हजूरी विच लैके आए। मेरी गवाही इह है कि 7 फरवरी नूं प्रोफेट जी ने इस बच्चे दे लई भविष्यवाणी कीती सी कि कोई अपने बच्चे नूं मारना चाहुंदा और इस बच्चे दे लई मैं बहुत सारी मैडिसन खाधी और इत्थे तक प्रेयर भी करदी सी कि परमेश्वर इह बच्चा मैनूं नहीं चाहीदा, मेरे हसबैंड भी। और प्रोफेट जी ने कहा कि इह बच्चे नूं कदी कुछ नहीं होएगा। तो 14-8 फरवरी में ही मैं प्रॉब्लम होगी, मैं बीमार होगी। असी हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने तो बाद उन्होंने कहा माँ या बच्चा एक जना बचेगा। तो असी पीजीआई गए, उत्थों उन्होंने सानू वापस भेज दिता। 14 फरवरी में बच्चा, मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, डिलीवरी हुई और बच्चा थोड़े सामने आ। मैं परमेश्वर का और खुदा के दास का दिल दया कह रही हूँ। आपने सुना कि मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि कोई औरत है और वो बच्चा नहीं रखना चाहती, आज आपके सामने खड़ी है। और इसी चर्च में बोला था कि वो बच्चा सुरक्षित है, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से बताया, सच्चाई बताया है। परमेश्वर की महिमा कर रही है इस बात के लिए गवाही देकर कि ये बच्चे को बहुत मेडिसिन खाई और बहुत बार कोशिश किया कि ये पेट में गर्भ में मर जाए, लेकिन जिसको परमेश्वर ने जिला दिया उसको कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि भविष्यवाणी वो चीज है कि अगर मैं कर रहा हूं या प्रभु मुझसे बोल रहे हैं, तो कह रहा हूं कि आज मरे हुए काम जिंदा होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ना रखा, नहीं नहीं तू गोली खिला बेला ना। सुनो ध्यान से इसको, अब आपने रखना है इसको, ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्यार करता है। ये देखो कि ये बच्चा सुरक्षित है और इस बहन ने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बच्चे के लिए भी बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं इसको ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि इसके ऊपर मैं अपना अभिषेक छोड़ूंगा और ये तेरे घर में, तेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक, ये आने वाले समय में प्रभु की सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। नाम में अभिषेक रख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अभिषेक देखेगी तू, अगर आज तेरे घर में किसी को कहीं भी दर्द होगा, अगर वो किसी को उठा भी लेगा छोटी सी उम्र में, देखना कि उसका पेट ठीक हो जाया करेगा, उसका सिर। अनॉइंटिंग देखना, ये रोज के लिए नहीं होगा, एक दिन के लिए होगा, चेक कर लेना। हालेलुया। जब ये बड़ा होगा असली काम परमेश्वर स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जैसे मूसा के पास 70 झुंड बुलाए और 70 झुंड बुलाने के बाद क्या हुआ कि सब आए और उसने कहा कि आज परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बादल से आज सबके ऊपर अपना आत्मा उतारूंगा, और जब आत्मा उतारा सारे के सारे भविष्यवाणी करने लगे, लेकिन बड़े चौड़े हो गए, करे बैठे भविष्यवाणी आ गई, लेकिन वो एक रात उन्होंने किया, सिर्फ एक रात। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैंने इसलिए कराया है, कहता कि ताकि ये मेरे लोग और तेरे लोग जान लें कि ये मूसा मेरा चुना हुआ दास है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है जितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर के भेजे हुए बंदे की। हालेलुया। हालेलुया। आज से आपके ऊपर 2 गुने आशीर्वाद उतरने के लिए जा रहे हैं जितने रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफेट जी, ये भाई बता रहे हैं, ये 7 फरवरी को इस चर्च में आए थे, जो टीम मेंबरों की हमने वो फैमिली मीटिंग की थी तब उसमें ये आए थे भाई, और अपने बेटे की फोटो लेके आए थे साथ में, और आपने भविष्यवाणी किया था आपका बेटा बाहर जाएगा कनाडा में। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच आज ये ऑफर लेटर के साथ, आज गवाही के साथ आप पुणे में खड़े। हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। सब तो पहला
खुदा दे दास नूं और पूरी कलीसिया नूं और पिछे वर्शिप टीम नूं जैम सिधी। और ये अज मेरे लिए बड़ा खुशियां और पागा वाला दिन है। असी बेटे का कनेडा लिए अप्लाई किया सी, जिद विच ऑफर लैटर विच बड़ा टाइम लग गया। असी प्रोफर जी नूं दस्या मैंबरशिप मीटिंग दे विच, उन्होंने मैनू आख्या सी कि तुहाडे बेटे की ऑफर लैटर जरूर आएगी। अज ये ऑफर लैटर खुदा दे दास दे जरिए उन्हां दी प्रार्थना दे जरिए ये ऑफर लैटर कनेडा तो आई है। मैं बहुत बहुत खुदा दा और खुदा दे दासां दा तहि दिल तो धन्नवाद करदा हाँ, उहदा शुक्र करदा हाँ। और तुसी सब जन मेरे लिए प्रार्थना भी करना कि 12 लाख रुपए का भी इंतजाम हो सके। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचा लिया गया है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज बता रहा हूँ कि क्या रीजन, क्या है रीजन, क्या इतनी बड़ी आज चीज क्यों मिल रही है। कि कनाडा का कोई काम नहीं बन रहा था, जब ये मिले तो मैंने इनको बोला कि मैं बोल रहा हूँ, प्रोफेसी कर रहा हूँ तेरे लिए, तेरा बेटा जा रहा है। हालेलुया। और मैं अब देख रहा हूँ कि वो वहाँ एक बड़े शानदार टेबल पर बैठा हुआ है। आमीन, आमीन। अब समझ जाओ पैसे का इंतजाम भी हो गया। हालेलुया, आमीन, आमीन। सुनो, ये परमेश्वर का प्लान है। सुनो क्यों, क्योंकि ये इनकी वाइफ है, आपकी वाइफ है ना, इनकी वाइफ है। और इसको 14 साल से, कितने साल से दुष्ट आदमी ने पकड़ा था? मेरी मैरिज नो 18 साल हो गया और 2015 तो असी प्रॉफिट जी ना जुड़े हुए हैं। 2015 31 जुलाई खैरा मुस्तरका दी विच बंदगी दे विच खुदा दे दास जरिए उन्हां दुष्ट आत्मा तो छुटकारा मिलिया। और इस बहुत वड्डी गवाही है कि मैं 14 साल लड़ाई दे विच रहा हां। और मेरा मन करदा हुंदा सी कि मैं इसनूं तलाक देवां, पर नहीं, मैं कहिंदा हुंदा सी कि मैं यीशु नूं मानदा हां, मैनूं लोग की कहणगे। पर मैं जो इन्हों नूं ज्यादा दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो गई तो मैनू, मैं कोई चर्च नहीं छड्डिया, मैं खुदा दी बेदी ते सच बोलदा हाँ। मैनू जदों प्रॉफिट बलजिंदर जी बारे पता लगा, असी उन्हां दी हर बंदगी नूं अटेंड किया, माऊवाल, नकोदर और एक माऊवाल दे लागे पिंड होर सी जिथे परचियां। और खैरा मुस्तरका दी बंदगी दे विच सानू पंपलेट मिलिया सी कि तुसी तां बड़े भागा वाले हो, भागा वाला मैं भी हाँ, तुसी बड़े भागा वाले हो कि तुसी हर एतवार प्रॉफिट जी नूं मिलदे आ। असी तां उदों तरसदे हुंदे सी कि कित्थे प्रॉफिट जी दी बंदगी, असी उत्थे अपनी वाइफ नूं लै के जाणा। और खैरा मुस्तरका दी बंदगी दे विच 31 जुलाई 2015 नूं मेरी वाइफ नूं उत्थे छुटकारा मिलिया। मैं उस दिन तो अज तक घर विच प्रॉफिट जी कदी लड़ाई नहीं हुई साडे दोनों जीआं दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हां, बहुत शुक्रगुजार हां। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी गवाही है। आपको बताता हूं कौन सी दुष्ट आत्मा थी इसके अंदर। ऐसे जैसे 1 किलोमीटर ये बिना पीछे देखे वापिस भागती थी। 1 किलोमीटर छोटी बात नहीं होती कि अपने आप सीधे पैरों से भागते हैं, ये उल्टे पैरों से भागती थी, क्योंकि इसकी बस की बात नहीं थी, शैतान इसको ऐसा कराता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, एक दिन खड़ा किया इसको और प्रोफेसी किया और बताया कि जा, आज से मैं तेरे ऊपर से सारे जादू टोने के शराब को तोड़ता हूँ और तुझे आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और सुनो, वही लड़की है जिसको देखते ही इसके रिश्तेदार भी, परिवार के लोग भी ये बोलते थे कि ये ठीक नहीं हो सकती। जब ये मिले तो मैंने इनको बोला कोई नहीं, इनको बाइबल ट्रेनिंग में भेजना मेरे पास। हालेलुया। इन्होंने भेजा और मैंने इनको कहा कि चलो जब मैं चर्च बनाऊंगा तो सुन, तुम क्या विश्वास करते हो कि दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। मैंने कहा मैं इसी को स्टेज पर खड़ा करूंगा और ये क्वायर में खड़ी हुआ करेगी। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, यहाँ पर सब लड़कियां खड़ी हैं लेकिन ये उन सबसे उम्र में ज्यादा है, लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया वो प्रॉमिस कर दिया और मैं इसको हमेशा खड़ा रखूंगा क्वायर में। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। लेकिन ये फैमिली इतनी ईमानदार रही, इतनी ईमानदार रही, कोई ईमानदार नहीं रहा, लेकिन सच में ये इतनी ईमानदार रही तो आज ये उस रिजल्ट के साथ है। कनाडा का ऑफर लेटर इनके पास है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों आया कनाडा का ऑफर, क्यों आया है। पवित्र आत्मा ने बताया क्योंकि ईमानदारी का फल मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इस भाई ने इस आशीष को प्राप्त किया।
प्रोफेसर जी एक होर गवाही है कि जब तक ताड़ी मिनिस्ट्री ना जुड़े हाँ मेरे को एक जॉब सी 15,000 की छावड़ा सीट से मैं इलैक्ट्रीशियन का काम करदा उस तो बाद मैनू एक होर जॉब मिली ग्रैंड सुइट दे जिथे मैं पार्ट टाइम शाम को एक घंटा जॉब करदा उत्थे मेरी सैलरी 4,500 रुपया है। उस तो बाद एक मैनू होर आशिश मिली एक पैलेस मैनू मिलिया जिथों मैं हुणे छुट्टी लैके आया कि मैं चर्च में जाना गवाही देन प्लीज़ मैनू छुट्टी दे दिओ हुण भी मैं छुट्टी लैके आया पैलेस दे विचों उत्थे मेरी इनकम 10,000 रुपया पर मंथ है किसी टाइम 25,000 भी हो जाती है। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता और खुदा के दासां का अपनिया दिल दियां गहराइयां तो शुक्र गुजार हाँ प्रोफेसर रविंदर जी का और प्रोफेसर बलजिंदर जी का सारे नु जय मसीह दी सारे बोले हालेलुया हालेलुया हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। अपने पड़ोसी को बताऊं पूछो तू कहाँ है अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं और पूछो कि आप कहाँ हो आप कहाँ हो आप कहीं खोए में हो आप कहाँ हो आप बताओ कि मैं यहाँ हूँ मैं गवाहियों में हूँ आप बताओ कि मैं अभी गवाहियों में हूँ। हाँ जी हाँ जी प्रॉफर जी ये भाई बता रहे हैं काफी लंबे टाइम से इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था बैंक के लिए और जैसे आज बैठे आपने पुलपट में होकर वेदी में होकर प्रार्थना किया तभी इस भाई ने उस बात को रिसीव किया और अभी अभी इनको कॉल आई है बैंक से तो आपको जॉब मिल चुकी है। हालेलुया अभी अभी कॉल हुई है इनको भी सारी कलीसिया नु आई हो जय मसीह दी ते प्रॉफिट जी नु भी जय मसीह दी। प्रॉफिट जी मेरी गवाही है कि मैं काफी चीज तो अप्लाई कर रहा सी जॉब दे ली लेकिन तुसी पिछले हफ्ते ही कहा सी कि जिन्ना को लो बैग ने जिन्ना को पर्स ने वो अपने पर्स या अपने बैग नु उठाओ ते तुहाडियां जॉब लगन वालियां में फोरन जा रहे हो ते तुहाडियां सरकारी जॉब भी लगन वालियां ने उस चीज नु मैं रिसीव किया ते मैनु कल ही फोन किया सी उन्होंने कि तुसी जॉब दे ली आ सकते हो अज ली ते मैं कहा चलो तुहानू दस दांगा थोड़ी देर बाद चो ते उन्होंने कहा कि 12 भी लैके अपना 3 तक मेरे को आ जाना तो मैं कहा मैं चर्च जाना वा तो मैं नहीं आ सकता तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तो मेरे हूँ फिर जो तुसी थोड़ी देर हुई तो इतने साढ़े 1 डेढ़ बजे के नाल मैंने कॉल किया कि तुसी आ रहे हो मैं कहा नहीं मैं इस टाइम चर्च में आता कहते कल जरूर आ जाना तो ये जॉब बैंक में है कलैरिकल दे वास्ते जॉब है। मैं इस गवाही दे लिए प्रभु जी का धन्यवाद करता हाँ सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अरे आशीष मिली कि नहीं बैंक में लग गया है ड्रेस भी चेंज होने वाली है परमेश्वर आशीष देने वाला है हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ छोटी बात नहीं है ये बैंक में जॉब लग चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु की महिमा करें शाबाश जाएं सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा था 2018 में वो काम होंगे जो आपके नहीं हुए वो रुके पड़े हैं वो होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आमें। लेकिन जितने लोग भरोसा रखेंगे उनके काम होने के लिए जा रहे हैं आमें। लेकिन पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाएगा किसके द्वारा पेड़ किसके द्वारा पहचाना जाता है आप कौन है आप कौन है आप डरे नहीं आप बताएं कौन है आप यीशु मसीह की टहनियां हो हालेलुया हालेलुया सच्ची दाखलता यीशु मसीह है वो पेड़ आप अगर उस पेड़ पर टहनियां जुड़ी हुई हैं तो फल जरूर आएगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमेन। हाँ जी हाँ जी प्रोफेसर जी ये बहन गुड़गांव से आए हैं और ये बहन तारी है पिछले 8 के इनका जो बेटा था वो कमरे बंद रहता था और जब ये उस डोर को खोलते थे तब जो इनको मारता था काटता था और जो हाथ था वो इनके ऊपर मारता था और ये बहन बता रहे हैं पिछले 8 इन्होंने 50,00,000 रुपए बेटे के ऊपर लगा लिया है और पिछले 1 से इस चर्च में आ रहे हैं तारपुर चर्च में और ये बता रहे हैं जैसे पिछले संडे आपने भविष्यवाणी किया था इनको खड़े कर और वैसे ही प्रभु ने छुआ आज वो बच्चा बिल्कुल चंगा है और बिल्कुल सुरक्षित है। हालेलुया पापा नु जय मसीह दी सारी कलीसिया जय मसीह दी जय मसीह की। मेरा बेटा रोहित बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता था इंग्लिश में टॉप था हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे 8 से वो हमें बच्चों को काट आता था लोग आते थे मेरे पास कहते थे पुलिस कंप्लेंट करेंगे मैं उनके हाथ पैर जोड़ जोड़ के छुड़ाती थी। बेटी मेरी टॉपर है बेटा मेरा ऐसा था ना उसका कोई फ्रेंड था ना कोई नशा करता था ना वो कोई खेलता था हमें पता भी नहीं होता था यीशु नाम का भी कोई परमेश्वर है
मैंने जब परमेश्वर को जाना, मैंने 13 लाख रुपया कैश पंडित को दिया और नगद बीत धागे, कौन सी जगह जो मैंने नहीं छोड़ी? एक माँ ही जान सकती है एक बेटे के जो मार पड़ते हैं। हम सारी दुनिया कहती थी ये तुम्हें ऐसे क्यों करता है, जब तक वो मेरी बाजू का मांस का टुकड़ा नहीं निकालता था वो उसको चैन नहीं आता था। मैं बलजिंदर पापा को करोड़ रुपया भी दे दूं ना तो भी मेरे लिए ये कम है। मैं चीख चीख के कह रही हूं, पिछले संडे जब पापा ने मेरे पर प्रोफेसी करी, चर्च की दूसरी फ्रेंड्स मेरे को कहने लगी तेरे पे प्रोफेसी हुई है, लोगों के फोन आने लग गए, बधाइयां देने लग गए, मैं इतनी फेमस होगी, कहते उस दिन तेरे को मानेंगे जब तेरी प्रोफेसी पूरी होगी। मैं क्या, मैं जिंदा परमेश्वर की चर्च में जाती हूँ, वो बलजिंदर पापा नहीं है वरविंदर, वो खुद यीशु मसीह है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।